सहित पूरे देश से कोरोना लगभग जा चुका है, लेकिन कोरोना की पहली लहर के दौरान उमरिया जिले के नौरोजाबाद क्षेत्र के नागरिकों को जो दंश मिला है, आज तक उसकी भरपाई रेलवे विभाग के द्वारा नहीं की जा सकी है। कोरोना काल के पहले नौरोजाबाद क्षेत्र के नागरिक इस बात की मांग कर रहे थे कि यहां और अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज दिया जाए, लेकिन कोरोना काल के दौरान से ऐसी यात्री ट्रेन का स्टॉपेज नौरोजाबाद रेलवे स्टेशन में बंद कर दिया गया है जो मोदी सरकार के 10 वर्ष के पहले भी यहां रुका करती थी। क्षेत्रीय नागरिक अब इस बात की मांग कर रहे हैं कि कम से कम उन्हें उन्हीं ट्रेनों का स्टॉपेज दे दिया जाए जो यहाँ पहले रुकती चली आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर के नरेंद्र मोदी विचार मंच के बैनर तले लगातार तीसरी बार आज 18 फरवरी को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर के महाप्रबंधक के नाम रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन मोदी सरकार के अधीन काम करने वाला रेलवे विभाग की तानाशाही इस कदर हावी है कि रेलवे विभाग अब मोदी विचार मंच के कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुन रहा है। हालांकि आज तीसरी बार ज्ञापन सौंपने के दौरान नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय सचिव लक्ष्मण प्रसाद तिवारी के द्वारा मीडिया से बात करते हुए कहा गया है कि यदि 10 दिनों के अंदर रेलवे विभाग हमारी मांगों को नहीं मानता है तो हमारे द्वारा क्षेत्र की जनता को एक साथ लेकर के विशाल जनसमूह के साथ आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान यदि कोई अप्रिय घटना घटित होगी, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होगी। हमने विगत 5 वर्षों से कोरोना काल के बाद में जो हमारी आवश्यक ट्रेन चलती थी उन ट्रेनों का स्टॉपेज बंद कर दिया गया था और कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज 4 ट्रेनों के स्टॉपेज चालू किया गया है, 4 बंद हैं। उन ट्रेनों के स्टॉपेज बुने हो विगत 7 वर्षों से हमने जिन ट्रेनों का कई ट्रेनों का मांग कर रहे थे वो हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो उन ट्रेनों को भी स्टॉपेज की मांग करते हैं। और ये क्षेत्र के स्टेशन के आसपास के जो विकास के कार्य हैं वो अवरुद्ध हैं, वो विकास कार्य पूरा किए जाए। हमारा अगले भी हमारी मांग पूरी नहीं होगी, पुनः 10 दिन का समय हमने दिया है, यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती विशाल जनसमूह के पुनः आंदोलन करेंगे। ये ज्ञापन इन्हों पहले भी दिया गया था, ये 4 तारीख को भी दिया गया था इन लोगों की तरफ से और 14 तारीख को भी दिया। आज 18 तारीख का इन लोग डेट दिए थे कि आज हम लोग आएंगे और फिर से ज्ञापन देंगे। ये ज्ञापन में ये मुद्दा दिया गया है कि जो भी कोरोना काल के पहले जो भी गाड़ियाँ स्टॉपेज था उसको पुनः यहाँ से चालू किया जाए और उसके साथ अन्य ट्रेनों का भी यहाँ स्टॉपेज का मांग किया गया। इसका हम ऊपर इसको प्रेषित करेंगे, देखते हैं क्या होता है।